आई जी हैं, लेकिन उनके कार्यकाल की बात करें तो सबसे अधिक सांप्रदायिक घटनाएं पिछले 6 महीने में। इस कालखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार आने के पश्चात राजस्थान की लचर कानून व्यवस्था जनचर्चा का विषय बन चुकी है। खुद पूर्व डीजीपी ने यह स्वीकार किया कि 46% अपराध राजस्थान में बढ़े हैं और एक के बाद एक राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली घटनाएं हो रही है। राजस्थान की राजधानी सबसे असुरक्षित साबित हुई है, जहां इसी 1.5 महीने के अंदर 6 जगह पर सांप्रदायिक तनाव हुआ है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जो स्वयं गृह मंत्री भी है, उनके नियंत्रण से परे ये पुलिस तंत्र हो गया है, अपराधी का भय समाप्त हो गया है और राजस्थान में राजनीतिक कुराज है। मॉब लिंचिंग के नाम पर सरकार ने बहुत अपनी बगले बजाई थी कि हमने मणिपुर के बाद में दूसरा राज्य देश के अंदर है, पर हरीश जाटव के मामले में मॉब लिंचिंग की आईपीसी धारा लगाने में सरकार आनाकानी कर रही है। एक मामला भी सरकार मॉब लिंचिंग की धारा में दर्ज करने में असमर्थ रही है और पहलू खां की SIT दर्ज करके मैं समझता हूँ कि एक तरह से राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव पर चोट पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। तुष्टिकरण की नीति पर चलकर राजनीति करना हमारे मुख्यमंत्री जी की आदत है।